हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। दी 2024 का मैच नंबर 16, एक तरफ है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, दूसरी तरफ है मैनचेस्टर ओरिजिनल। कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, मैनचेस्टर जीतेगी या फिर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स? टूटेंगे इसी सवाल का जवाब। दी 100 में हमारे प्रेडिक्शन बहुत ही शानदार जा रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोज़ को बनाने के लिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि इस मैच का फाइनल वर्डिक्ट, फाइनली कौन सी टीम मुकाबला जीत सकती है, ये मैं आपको टेलीग्राम पर ही बताऊंगा। तो टेलीग्राम का यूज़र आईडी आपके स्क्रीन पर है, लिंक से ज्वाइन करें तो बेटर रहेगा। बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए, तो उनसे बच के रहना है। ये जो मुकाबला है हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा 4 अगस्त को 10:30 बजे से, रात के 10:30 बजे से। ड्रीम इलेवन टीम भी बनाएंगे इस वीडियो में, तो पूरा देखना, ठीक है। पिच रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं, तो लीड्स में 14 मुकाबले हुए, 140 का एवरेज स्कोर है, 7 मैच डिफेंड और 6 मैच चेस हुए हैं। चेस डिफेंस से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एवरेज स्कोर बड़ा ही शानदार है। 100 के हिसाब से 6 बार 170 प्लस यहां पे बना है 14 मैचों में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रन्स कितने बनते हैं। 2 बार 150 से 170, 2 बार 130 से 150, 2 बार 130 से नीचे का स्कोर बना है। जो यहाँ की विकेट है वो वेदर पर काफ़ी डिपेंड करती है। अगर वेदर एकदम क्लियर है तो खूब सारे रन्स बनते हैं, गेंदबाजों के लिए मान लो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर वेदर में थोड़ा सा मान लो हवा है और थोड़ा क्लाउडी वेदर है, तो फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट, स्विंग वगैरह देखने को मिलता है, पेसर्स को काफ़ी मदद मिलने लगती है। लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद बल्लेबाज यहाँ रन बना सकते हैं और रन्स बनते भी हैं। पेसर्स के साथ साथ यहाँ बल्लेबाज भी इंजॉय करते हैं। ये देखिए 146 बना, चेस हो गया, 7 विकेट से नॉर्दर्न जीती थी, 4 विकेट पेसर्स, 6 विकेट स्पिनर्स। यहाँ 185 बना, 47 से ट्रेंड जीती, दूसरी पारी में भी 140 के आसपास रन बन गया, 7 विकेट पेसर्स, 4 विकेट स्पिनर्स। यहाँ 158 बना, आराम से चेस हो गया, 8 विकेट से वेल्स फायर जीती, 5 विकेट पेसर्स, 3 विकेट स्पिनर्स। यहाँ 182 बना, दूसरी पारी में भी 141 बन गया, 40 रन से मैनचेस्टर जीती, 8 विकेट पेसर्स, 7 विकेट स्पिनर्स। मतलब ये नंबर साफ साफ बयां करते हैं कि यहाँ 150 आराम से बन जाते हैं और इस मैच में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 170 प्लस का स्कोर। रन्स खूब बनने वाले हैं, दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है। पेस बनाम स्पिन आंकड़ा देखा जाए, 14 मुकाबलों में 91 विकेट पेसर्स ने और 60 विकेट स्पिनर्स ने लिए। पेसर्स बहुत अच्छा करते हैं, स्पिनर्स भी अच्छा करते हैं। ये देखिए स्पिनर्स ने भी लगातार अच्छे विकेट्स लेकर दिए हैं। हेड टू हेड मैचों की बात की जाए, तो 5 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हो चुकी हैं और 5 मैचों में 3 मैनचेस्टर और 2 नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम जीती है। बात करते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की, तो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम पिछले साल से बहुत बेहतर कर रही है और इस साल तो भैया 4th नंबर पे लोग बने हुए। 3 मैच खेले हैं जिसमें से 2 जीते हैं और 1 मैच ये लोग हारे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैक टू बैक मुकाबले जीत रहे हैं, पिछला साल बहुत बेकार गया था। इस टीम को जिता रहा है कौन कौन, निकोलस पुरन जो कि बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में, साथ ही साथ इनकी गेंदबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, आदिल रशीद, पोर्ट्स, पाकिस्तान जॉर्डन क्लार्क विकेट ले रहे हैं, सेंटनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी में पिछले मैच में हैरी ब्रुक भी अच्छे टच में दिखे थे, मैट शॉट बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो जेसन रॉय की खेलने की उम्मीद है। बल्लेबाजी में भी काफ़ी दमखम है। पिछले मैच के स्कोर कार्ड पर नज़र डाली जाए तो 65 बनाया निकोलस पुरन ने, 20 रन 10 गेंदों पर रॉबिन्सन ने और 13 गेंदों पर 20 रन शॉट ने, शॉट भी अच्छे टच में नजर आए। और अगर रॉय आते हैं तो इनकी बैटिंग और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ ही साथ हैरी ब्रुक भी बहुत अच्छे फॉर्म में हाल फिलहाल में नजर आए, पिछले मैच में तो नहीं चले थे लेकिन फॉर्म बहुत अच्छा है। एडम हाउस भी बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, तो बल्लेबाजी में तो मुझे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इनके बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में भी है, खास करके निकोलस पुरन पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। गेंदबाजी की बात की जाए तो ये देखिए जॉर्डन क्लार्क 2 विकेट निकाले, पॉट्स और यहाँ पे मैथ्यू शॉट ने भी 15 गेंदों की गेंदबाजी की और 1 विकेट निकाला, आदिल रशीद 2 विकेट निकाले, यहाँ पर सेंडनर ने 1 विकेट निकाले और किफ़ायती गेंदबाजी सब ने करी। सबका जो है रिक्वायरमेंट रन पर बॉल देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। तो गेंदबाजी इस टीम की असली स्ट्रेंथ है। 145 बनाया और डिफेंड किया, 19 रन से जीते, बहुत बड़ी बात होती है। बैक टू बैक 2 मुकाबले जीत कर आ रही है सुपर चार्जर्स की टीम, उससे पहले हार रही थी और मैनचेस्टर बैक टू बैक 3 मैचेस यहाँ पे हार कर आ रही है। अगर बात की जाए टॉप फैंटेसी पिक की, तो जेसन रॉय पिछले 2 मैचों से हमें लग रहा है कि खेलेंगे लेकिन नहीं खेल रहे। अगर खेलते हैं तो अच्छी बात है, उन पर हम विचार करेंगे, उन्हें लिया जा सकता है, जो कि टेलीग्राम पर आपको पता चल जाएगा। पहली पसंद मैट शॉट है, देखिए 20 रन 1 विकेट 12 रन 1 विकेट, यहाँ 3 विकेट। बैटिंग के साथ साथ ही बॉलिंग भी करते हैं, 15 गेंदों की 20 गेंदों की गेंदबाजी कर रहे हैं हर मैच में, तो विकेट लेकर दे रहे हैं। साथ ही साथ पिछले मैच में 13 गेंदों पर 20 रन बनाया, तो फॉर्म में नजर आए थे, इस मैच में वो फॉर्म कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है, रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट शॉट पहली पसंद, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी रिकमेंड करूंगा। निकोलस पुरन दूसरी पसंद, दोनों ही मैचों में 50 जड़ी, बैक टू बैक 60 प्लस का स्कोर, उसके अलावा 35-26 का स्कोर देखने को मिला, बहुत ही शानदार फॉर्म में, तो ये भी इस मैच में चल सकते हैं। उसके अलावा हैरी ब्रुक के चलने के चांसेस, पहले मैच में 34 बनाए, यहाँ 109, यहाँ 36 देखने को मिला, 52 का एवरेज इस वेन्यू पर, 9 पारियों में 313 रन है।
तो ये भी चल सकते हैं। हैरी ब्रुक बहुत कमाल के बल्लेबाज है, साथ ही साथ टीम के कप्तान भी हैं। एडम हॉस को फिलहाल हम स्किप करें, आप चाहो तो ले सकते हो। फॉर्म देखा जाए तो कुछ खास है नहीं, 150 पिछली 5 पारियों में, मैनचेस्टर के खिलाफ भी 150 है। रॉबिन्सन की बात की जाए तो 20-25 जरूर कर रहे हैं, बट इनको भी हम स्किप करें। मिचेल सैंटनर को हमने उठा लिया, बहुत ही शानदार फॉर्म में है, एक एक विकेट हर मैच में ही ले रहे हैं और जरूरत पड़ने पे बल्लेबाजी से आपको पॉइंट्स करके दे सकते हैं। उसके अलावा जॉर्डन क्लार्क को भी आप चाहो तो उठा सकते हो सैंटनर की जगह, 2 विकेट यहाँ 1 विकेट यहाँ 2 विकेट यहाँ 23 दो विकेट यहाँ। मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं ये, सैंटनर स्पिन गेंदबाजी करते हैं, तो अगर आपको लेना है तो क्लार्क को रिप्लेस कर सकते हो, सैंटनर को रिप्लेस कर सकते हो क्लार्क से। आदल रशीद हमारी टीम में 2 विकेट यहाँ 1 विकेट यहाँ 1 विकेट यहाँ 2 विकेट यहाँ, और ये देखिए मैनचेस्टर के खिलाफ आखिरी मिनट में 4 विकेट लिया था, उससे पहले भी 1-1 विकेट 2-2 विकेट लगा लिए। 5 पारियों में 9 विकेट है मैनचेस्टर के खिलाफ, 14 पारियों में 15 विकेट है इस वेन्यू में, बहुत ही शानदार नंबर है और इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। मैट पॉट्स को हमने उठा लिया आखिरी मैच में, 2 विकेट यहाँ 1 विकेट 24 दो विकेट यहाँ, और बैटिंग भी ये अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टीम है, फर्ग्यूसन को हम स्किप करें, हालांकि फॉर्म देखा जाए तो 2-2-1-3 इनका भी फॉर्म बहुत जबरदस्त है। बात की जाए अगर मैनचेस्टर ओरिजिनल की तो ये टीम बड़ी ही जबरदस्त है, जॉस बटलर को ये टीम बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, बट अभी फिलहाल में फिलिप सॉल्ट इस टीम को लीड कर रहे हैं। 3 मैच खेली है टीम और तीनों ही हार चुकी है, पॉइंट टेबल पे 8वें नंबर पे बनी हुई है, मतलब बहुत सिचुएशन ख़राब है इस टीम की, बट टीम बड़ी ही जबरदस्त है। इधर देखिए इनके पास फिलिप सॉल्ट हैं, होल्डन शानदार बल्लेबाज, पॉल वॉल्टर जैसा खिलाड़ी, सिकंदर राजा जैसा ऑलराउंडर, ये दोनों जो है बल्लेबाजी गेंदबाजी बहुत शानदार करते हैं, जिमी ओवरटन, उस्मान मीर, टॉम हार्ली, फैजल हक फारूकी, मतलब गेंदबाजी में तो पूछिए मत कितना विकल्प है। फैजल हक फारूकी पिछले मैच में पिट गए, जॉस होल भी पिट गए, टॉम हार्ली अच्छी गेंदबाजी किए, उस्मान मीर ने अच्छी गेंदबाजी करी, बाकी सब कुछ खास किए नहीं, सिकंदर राजा से 5 कराई, तो गेंदबाजी में तो काफ़ी पोटेंशियल है, गेंदबाजी फिर भी ठीक ठाक रही, मतलब 117 डिफेंड करना था, 116 डिफेंड कर रहे थे तो क्या ही डिफेंड करते। बल्लेबाजी पे नज़र आई तो मेडेंसन ने 43 यहाँ बनाया और ओवरटोन ने 25 बनाया, उसके अलावा कुछ खास योगदान नहीं रहा, मतलब दिक्कत जो है वो बल्लेबाजी साइड से है, बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। बैटिंग सरफेस पे 116 बनाओगे तो आप तो मैच हारोगे ही, तो बल्लेबाजी में समस्याएं हैं और यहाँ पे फिलिप सॉल्ट का फॉर्म टीम के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, सिकंदर राजा, होल्डन वगैरह को फॉर्म करना होगा और जॉस बटलर की कमी तो महसूस हो ही रही है। फिलिप सॉल्ट को सबसे पहले उठा लिया, कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, 4 मैचों से फ्लॉप है, यहाँ 70 का स्कोर 4 मैच पहले बनाया था, और नॉर्दर्न के सामने देखिए 28-55-18 सिंगल डिजिट स्कोर भी है, इस तरीके का स्कोर है, तो चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो जीएल की टीम से। होल्डन एक मैच में 40 रन बनाए थे, चाहो तो ले सकते हो, बाकी सिंगल डिजिट स्कोर है। मेडेंसन को हमने लिया है, 28 बनाया, 43 बनाया, 22 बनाया था, 44 बनाया, फॉर्म बहुत अच्छा है इनका, और मैनचेस्टर के खिलाफ भी 40+ स्कोर है, सॉरी नॉर्दर्न के खिलाफ भी। सिकंदर राजा बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स करके दे सकते हैं, 21 दो विकेट यहाँ, 13 रन यहाँ, दोनों ही मैचों में यहाँ 13 बनाए, यहाँ 8 रन 1 विकेट, 46 रन यहाँ बनाया, तो फॉर्म तो इनका गेंदबाजी में अच्छा है, बल्लेबाजी में परफॉर्म करने की ज़रूरत है और इनको उठा लिया। जेमी ओवरटन को भी चाहो तो ले सकते हो, 25 रन करिए हैं यहाँ पे, नॉर्दर्न के खिलाफ 83 का स्कोर भी है। पॉल वॉल्टर को हमने उठा लिया, बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर है, जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं बैटिंग भी उतनी अच्छी करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटर, राइट हैंड गेंदबाजी करते हैं, फॉर्म देखा जाए तो 0 विकेट 6 रन 29 रन 1 विकेट 1 विकेट यहाँ 2 विकेट यहाँ 2 विकेट यहाँ, और नॉर्दर्न के खिलाफ भी 20 20 20 20 मतलब 20+ रन हर मैच में है, विकेट्स भी हैं यहाँ 1 विकेट 3 विकेट, तो बहुत ही कमाल के नंबर्स हैं और फॉर्म में भी है, खिलाड़ी भी कमाल का है, इनको उठा लिया। उस्मान मीर को भी चाहो तो ले सकते हो, टॉम हार्ली को हमने लिया है, 1 रन 1 विकेट यहाँ 3 विकेट यहाँ, विकेटलेस भी गए हैं, यहाँ भी विकेट लिए हैं, और आखिरी मिनट में नॉर्दर्न के खिलाफ 2 विकेट यहाँ 1 विकेट यहाँ 1 विकेट, तो नंबर्स इनके भी अच्छे हैं, गेंदबाज ये भी कमाल का है। जॉस होल को हम स्किप करें, फैजल हक फारूकी को स्किप करें, स्कॉट क्रू को भी हम स्किप कर रहे हैं। टीम देख लेते हैं, तो हमारी टीम में है, सेफ टीम में है फिलिप सॉल्ट और वाइस कैप्टन एज ए वाइस कैप्टन निकोलस पूरन, जिमी ओवरटन, मेडेंसन, उसके अलावा हैरी ब्रुक, रेजा सिकंदर रेजा, कैप्टन यहाँ पे हैं मैट सॉट्स, सेंटनर पॉल वॉल्टर, हार्ली, और यहाँ पे पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारी टीम, आप चाहो तो जिमी ओवरटन को भी स्किप कर सकते हो, जिमी ओवरटन को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, किससे करना है वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। रिस्की टीम देखा जाए तो यहाँ निकोलस पूरन और रॉजर हैं, जॉर्जी रॉजर, उसके अलावा मेडेंसन, वाइस कैप्टन हैरी ब्रुक, कैप्टन सिकंदर राजा, मैट सॉट, सेंडनर, पॉल वॉल्टर, राशिद और उस्मान मीर और पॉट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैट सॉट को भी यहाँ पे चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप
देख सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बाकी फाइनल अपडेटेड टीम जो है टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी, और इस मैच का फाइनल अपडेट टेलीग्राम पर आएगा, असली वाला प्रेडिक्शन टेलीग्राम पर ही आएगा। उसके अलावा टॉस मैच सेशन दुनिया भर के प्रेडिक्शन कवर किए जाते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे। आइए अब बात करते हैं विनर की। तो यहाँ पे 45% मैनचेस्टर के और 55% नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के जीतने के आसार नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम एक और मैच जीतेगी, और जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मी नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स विल बी द विनर ऑफ दिस गेम। बाकी आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीत सकती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।